हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द घाट ऑफ द ओनली बर्ड, जो अमिताभ घोष का लिखा हुआ है शायद आगा अली के बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसमें देखो पेज नंबर 64 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से शायद अमिताभ घोष से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मृत्यु के बाद मेरे बारे में कुछ लिखोगे, और अमिताभ घोष उससे प्रॉमिज करता है और अपना जो प्रॉमिज है वो पूरा करने के लिए जो कुछ लिखा है वो इस लेसन में लिखा है द घाट ऑफ द ओनली बर्ड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 64 पे, व्हाट इंप्रेशंस ऑफ शाहिद डू यू, क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट इंप्रेशंस, व्हाट इंप्रेशंस ऑफ शाहिद Do you, what impressions of Shahid do you gather from the piece? Gather from the piece. इस पीस से, इस लेसन से आप शाहिद के बारे में क्या इंप्रेशन गैदर करते हो, क्या प्रभाव पड़ा है शाहिद का आपके ऊपर? शाहिद वाज ए ब्रिलियंट पोइट एंड टीचर। शाहिद वाज ए ब्रिलियंट पोइट एंड टीचर। शाहिद एक ब्रिलियंट पोइट और टीचर था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ही वाज सफरिंग, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह कैंसर से पीड़ित था। ही लव्ड गुड फूड, गुड म्यूजिक। ही लव्ड गुड फूड, फूड गुड म्यूजिक, गुड पीपल, एंड गुड पोइट्री। एंड गुड पोइट्री। शाहिद रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। शाहिद रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों का सम्मान करता था। ही हेटेड वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस। ही हेटेड, ही हेटेड वायलेंस, वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस इन कश्मीर। क्वेश्चन नंबर टू, जो पेज नंबर वही 64 पे है, हाउ डू शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट। हाउ डू शाहिद एंड द राइटर, राइटर रिएक्ट। हाउ डू शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट टू द नॉलेज, to the knowledge that Shahid is going to die, Shahid is going to die, Shahid मरने जा रहा है, इस बात पर क्या तो Shahid का रिएक्ट था और क्या राइटर का रिएक्ट था, क्या शाहिद ने सोचा और क्या राइटर ने सोचा इस बात पे कि शाहिद की मृत्यु होने वाली है। लिखो आंसर में, शाहिद इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। शाहिद इज सफरिंग, शाहिद इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर।
शायद कैंसर से पीड़ित है. ही इज अवेयर ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ. ही इज अवेयर ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ. वह अपनी आने वाली मृत्यु से अवेयर है. ही रिमेन्स काम एंड कंटेंटेड. ही रिमेन्स काम एंड कंटेंटेड. वह शांत और संतुष्ट रहता है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द राइटर इज वरीड अबाउट शाहिद. राइटर जो है वो शाहिद के बारे में वरीड है. ही कंसोल्स हिम. वह उसे सांत्वना देता है. ही प्रोमिसेस हिम टू राइट समथिंग. अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ. ये हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं जो बुक के पेज नंबर 64 पे दिए हुए हैं. अब आगे हम अदर क्वेश्चंस लिखेंगे. अदर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 लगाकर हम लिखना स्टार्ट करेंगे. आपको पता है कि शाहिद किस प्रकार से लोगों का अपने पास आना पसंद करता था. कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ घटना वहाँ पे घटी उसका वो विरोध करता था. किस प्रकार से उनके बारे में लगाव वाली उसने पोइम्स लिखी हैं और साफ झलकता है कि वो कश्मीर में जो वायलेंस था, जो काउंटर वायलेंस था, उसका वो विरोधी था. और अमिताभ घोष के शब्दों से ये क्लियर हो जाता है. अब नेक्स्ट अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपनी तरफ से अदर क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी से दैट शाहिद वाज ए ग्रेट टीचर. हम कैसे कह सकते हैं कि शाहिद एक ग्रेट टीचर था. यह हम पढ़ चुके हैं कि वो ब्रिलियंट टीचर और ब्रिलियंट पोइट था. यूएसए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी कॉलेजेज में अध्यापन का कार्य करवा चुका था और वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स उसका रिस्पेक्ट करते थे. और उन्होंने एक मैगजीन भी लिखी और उसको डेडिकेट किया. इससे ये क्लियर है कि वो ग्रेट टीचर था. लिखो आप इसमें, शाहिद वाज ए ब्रिलियंट टीचर. शाहिद एक शानदार टीचर था. ही टोट एट वेरियस कॉलेजेस. USA के बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ा चुका था. ही वाज
एप्रिसिएटेड, बाई हिज स्टूडेंट्स, उसकी प्रशंसा की जाती थी उसके स्टूडेंट्स के द्वारा. दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन, दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन, उन्होंने एक मैगजीन प्रिंट करवाई थी. एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम, एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम. शायद एक ब्रिलियंट टीचर था, वो कई जगह पढ़ा चुका था, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, यूएसए में. ही वाज एप्रिशिएटेड, उसकी प्रशंसा की जाती थी बाय हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा. दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन, उन्होंने एक मैगजीन छपवाई थी. एंड डेडिकेटेड द इशू, और ये इशू समर्पित किया था टू हिम, उसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट प्रॉमिस डिड शाहिद वांट, What promise did Shahid want? What promise did Shahid want from Amitav Ghosh? From Amitav Ghosh. कौन सा वादा चाहता था शाहिद अमिताव घोष से? शाहिद चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद अमिताव घोष मेरे बारे में कुछ लिखे. लिखो इसमें, शाहिद वांटेड ए प्रोमिस, शाहिद वांटेड ए प्रोमिस, शाहिद वांटेड ए प्रोमिस फ्रॉम अमिताव घोष, फ्रॉम अमिताव घोष. शाहिद चाहता था कि अमिताव घोष उसे एक प्रोमिस करे टू राइट समथिंग अबाउट हिम, टू राइट समथिंग अबाउट हिम, टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में कुछ लिखे. इन फैस्ट द राइटर वाज सॉक्ड, इन फैस्ट द राइटर वाज, राइटर वाज सॉक्ड. शुरुआत में राइटर को शोक लगा, बट ही प्रोमिस्ड हिम, बट ही प्रोमिस्ड हिम टू राइट, बट ही प्रोमिस्ड हिम टू राइट समथिंग, समथिंग अबाउट हिम, अबाउट हिम आफ्टर After his death. Shahid wanted a promise from Amitav Ghosh. Shahid चाहता था कि अमिताव घोष एक वादा करे to write something about him, उसके बारे में कुछ लिखने के लिए, after his death, उसकी मृत्यु के बाद. इन फैस्ट, शुरुआत में, द राइटर वाज शॉक्ड, राइटर को आघात लगा, झटका लगा. बट ही प्रोमिस, परंतु उसने वादा कर लिया हिम उससे, टू राइट समथिंग, कुछ लिखने का, अबाउट हिम उसके बारे में, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. जैसा मैंने आपको बताया, इसके बुक के हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं. जैसा अन्य लेसन्स में भी अपन एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं जनरल, इसमें भी वो लिखेंगे. अब लिखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है,
व्हाट इज एन ऑब्विचरी, व्हाट इज एन व्हाट इज एन ओबिचरी, हाउ डिड अमिताभ घोष डिसाइड, हाउ डिड अमिताभ घोष डिसाइडेड अमिताभ घोष डिसाइड टू राइट ए पीस ऑन शाहिद, टू राइट ए पीस ऑन शाहिद। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज एन ओबिसरी, एक श्रद्धांजलि क्या चीज है, एक भेंट क्या चीज है, हाउ डिड अमिताभ घोष डिसाइड, कैसे अमिताभ घोष ने फैसला किया टू राइट ए पीस, कुछ लिखने के लिए ऑन शाहिद, शाहिद के ऊपर एक इंफॉर्मेशन का कुछ टुकड़ा शाहिद के ऊपर लिखने के लिए कैसे अमिताभ घोष ने फैसला किया। शॉर्ट पीस ऑब्विचरी एक छोटा टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, अबाउट समवन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। शाहिद वांटेड ए प्रोमिस फ्रॉम द राइटर, शाहिद वांटेड ए प्रोमिस, शाहिद वांटेड ए प्रोमिस फ्रॉम द राइटर, फ्रॉम द राइटर, राइटर से एक प्रॉमिस चाहता था टू राइट समथिंग, टू राइट समथिंग अबाउट हिम, अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, चाहता था कि राइटर उसके बारे में कुछ लिखे उसकी मृत्यु के बाद। द राइटर प्रोमिजेज टू राइट एन आर्टिकल, द राइटर प्रोमिजेज टू राइट एन आर्टिकल, राइटर वादा करता है एक आर्टिकल लिखने का to console him, about him, about him to console, देखो क्या लिखा है इसमें, an obituary is a short piece of information, obituary एक information का छोटा हिस्सा होता है about someone किसी के बारे में after death मृत्यु के बाद। शाहिद wanted a promise, शाहिद चाहता था एक promise from the writer, writer से to write something की वह लिखे कुछ about him उसके बारे में after his death उसकी मृत्यु के बाद। the writer promises टू राइट एन आर्टिकल, राइटर वादा करता है एक आर्टिकल लिखने का अबाउट हिम उसके बारे में, टू कंसोल हिम उसे सांत्वना देने के लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसका लिख रहे हैं, आप इसको जनरल क्वेश्चन भी कह सकते हो, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए उसमें इस क्वेश्चन की लाइन हम
ऐड कर सकते हैं और उससे संबंधित बातें दो चार पांच लाइन में उसके बारे में लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 दे सकते हो और क्या लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जैसा मैं आपको बताता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आए उसमें अपन इस लेस इस आंसर की कुछ लाइंस ऐड कर सकते हैं, जो जनरल लाइंस हैं किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में वो हम ऐड कर सकते हैं। और बाय चांस कोई ऐसी लाइन पे क्वेश्चन पूछ लें जो इसमें नहीं है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इतना ही करना आप लोगों को। अब लिखते हैं, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, लेसन का नाम है, इज अबाउट आगा शाहिद अली, अबाउट आगा शाहिद अली, आगा शाहिद अली के बारे में है। He is an expatriate. He is an expatriate. Expatriate होता है प्रवासी। He is an expatriate from Kashmir. From Kashmir. वह कश्मीर का प्रवासी है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है। ही टेल्स द राइटर अबाउट हिज डिजीज, ही टेल्स द राइटर अबाउट हिज डिजीज, ही टेल्स द राइटर अबाउट हिज डिजीज एंड अप्रोचिंग डेथ, आने वाली मृत्यु के बारे में। द राइटर कंसोल्स हिम एंड सेज, द राइटर कंसोल्स हिम एंड सेज, राइटर उसे सांत्वना देता है और कहता है दैट ही विल बी फाइन सून, that he will be fine soon, कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। he promises him to write something, he promises him to write something to write something about him after his death. So the piece is what Amitav Ghosh writes, so the piece is what, so the piece is what Amitav Ghosh writes, Amitav Ghosh writes to keep his promise.
पैरा चेंज करके लिखेंगे, द राइटर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, द राइटर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, द राइटर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई साहित्य पोइटिक वर्क, बाई साहित्य पोइटिक, साहित्य पोइटिक वर्क, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड रेपर्टी, रेपर्टी हाजिर जवाबी, इज ऑल्सो गुड, ऑल्सो गुड, हिज बेस्ट पोइट्री इज दैट इन विच, हिज बेस्ट पोइट्री इज दैट, पोइट्री इज दैट इन विच, हिज बेस्ट पोइट्री इज दैट इन विच ही टॉक्स अबाउट, ही टॉक्स अबाउट कश्मीर, ही सेज कहता है अपनी पोइट्री में, अच्छी सी टू लाइन्स कोट की हैं, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इफ देयर इज पैराडाइज, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस, 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 इट इज दिस। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखा हमने, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड इज अबाउट आगा साहिद अली, आगा साहिद अली के बारे में है, ही इज एन एक्सपेक्टेट, वह एक प्रवासी है फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर का, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है, ही टेल्स द राइटर, वह राइटर से कहता है अबाउट हिज डिजीज, अपनी बीमारी के बारे में, एंड अप्रोचिंग डेथ और आने वाली मृत्यु के बारे में राइटर से बात करता है, द राइटर कंसोल्स हिम, राइटर उसे सांत्वना देता है एंड सेज और कहता है दैट ही विल बी फाइन सोन की वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ही प्रोमिसेस हिम वो उससे वादा करता है टू राइट समथिंग कुछ लिखने के लिए अबाउट हिम उसके बारे में आफ्टर हिज डेथ उसकी मृत्यु के बाद, सो द पीस इज व्हाट, इसलिए पीस वो है, ये लेसन वो है व्हाट अमिताभ घोष राइट्स, जो अमिताभ घोष लिखता है टू कीप हिज प्रोमिस, अपना वादा निभाने के लिए, द राइटर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, राइटर अत्यधिक प्रभावित है बाई साहित्य पोइटिक वर्क, साहित्य के पोइटिक वर्क से, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर उसका ह्यूमर, रेपर्टी हाजिर जवाबी इज ऑल्सो गुड अच्छी है, हिज बेस्ट पोइट्री इज दैट उसकी सबसे अच्छी पोइट्री, साहित्य की सबसे अच्छी पोइट्री वह है, इन विच ही टॉक्स अबाउट कश्मीर जिसमें वह कश्मीर के बारे में बात करता है, ही सेज वह कहता है इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, यदि पृथ्वी पर कोई पैराडाइज है स्वर्ग है, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, यह यह है, यह यह है, किसके बारे में कहता है, कश्मीर के बारे में। ये लेसन कंप्लीट हुआ, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।